हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड अनिल सर। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए, आज के टॉपिक में हमने लिया है टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने टाइटल देख चुके होंगे कि 5 मिनट में सारे टेंस सीखे। आपने सोच रहे होंगे कि 5 मिनट में ये पॉसिबल कैसे है, इतना बड़ा टॉपिक है टेंस और 5 मिनट में कैसे होगा। तो हम आज के वीडियो में केवल प्रेजेंट को समझेंगे। प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको आज केवल मैं 4 एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से दिमाग में आपके बैठा दूंगा। बट आपको एक शर्त है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि केवल मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करके ही नहीं बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, इसके रूल्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस आप ट्रांसलेट खुद से कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है। आपको सेंटेंस की कैटेगरी पहचानना आना चाहिए। तो आपको बस दिमाग में एक चीज़ रखना है कि जब कभी भी सेंटेंस में लास्ट में क्या जाए, ता है, ती है, ते है, तो इस प्रकार के सेंटेंस 99% किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। किसके होते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, है ना। मैं पढ़ाई करता हूँ। अब देखिए, आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी कि मैं एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, तो मैं को हम बोलते हैं आई, ठीक है। अब पढ़ाई करता हूँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स उलझते कहाँ हैं आप, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, कर्ता को क्या बोलते हैं, हूँ को क्या बोलते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट, जब कभी भी ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब ये एस या ईएस भी कहाँ लगाना, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई है, आई के साथ हमें यूज नहीं करना है। वो पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडी, आई स्टडी। अब इस प्रकार के सेंटेंस आपको कैसे ही सेंटेंस आ जाए, मैं जाता हूँ आई गो, मैं पूजा करता हूँ आई वर्शिप, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं पढ़ाई करता है तो ही स्टडीज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है इसमें, रहा है, रही है, रहा हूँ वाले सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटेंस को आपको लास्ट से पहचानना है, रहा है, रही है, रहे हो, इस प्रकार की कैटेगरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, यहाँ पर मैं इसका भी रूल मेंशन कर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ हमें आईएनजी ऐड करना है इस फ्रेंड्स। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर आई, अब इज एम आर का यूज़ कैसे होता है, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखी हुई है, और वर्ब जो होगी काम, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हुआ आई, अब आई के साथ आप एम का यूज़ करते हैं, आई एम। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, काम बोलने का हो रहा है, आई एम स्पीकिंग, आई एन जी एड करना है हमें, क्योंकि स्पीक एक वर्ब है, आई एम स्पीकिंग। अब देखिए, क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर आता है तो हमें वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, क्लियर है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अब आप देख रहे हो यू के साथ हम यूज़ करेंगे आर, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, कितना आसान है। तो जब भी रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं जिसमें लास्ट में इस प्रकार की हिंदी हो, तो आपको इसी रूल से ट्रांसलेट करना है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ। देखिए, इसी तरीके से सीखेंगे तो ही टेंस आपको समझ में आएंगे। अगर आपने बहुत सारे रूल्स अगर दिमाग में बैठा लिए, इंडा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इसको एक एक करके कीजिए आप कंप्लीट। अभी हमने केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे आज, है ना। देखिए, थर्ड सेंटेंस हमने लिया है थर्ड कैटेगरी से, प्रेजेंट परफेक्ट से, है ना। वह जा चुका है, अब यहाँ पर भी आपको हिंदी माइंड में रखना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, इस प्रकार की हिंदी होगी यहाँ पर। तो इसका रूल मेंशन कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट वह है, वह को ही बोलते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी है, हैज और हैव, ठीक है ना। हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ। प्लूरल आई यू वी दे, सिंगुलर ही सी इटने, ओके। ही के साथ हम यूज करेंगे हैज का, ही हैज। अब जाना, अब कौन सी फॉर्म है, वी थ्री, थर्ड फॉर्म, गो बेंट गोन, ये क्लियर होगा आपको, ही हैज गोन। अगर ये सेंटेंस होता है, मैं जा चुका हूं, आई हैव गोन, आप जा चुके हो, यू हैव गोन। कैटेगरी जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट उलझते हैं, प्रॉब्लम आती है, वो ऐसा क्यों होता, देखिए, क्योंकि यहां पर भी रहा है ना, और यहां पर भी क्या था, रहा है, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार से। तो दोनों में पहले अंतर देखते हैं। देखिए मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, इसमें कोई टाइम नहीं था, है ना, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूं या मैं सुबह से सो रहा हूं, इस प्रकार से सेंटेंस लिखा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक टाइम दिया है कि सुबह से, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। अब इसका रूल क्या, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी आईएनजी इसमें भी ऐड करेंगे हम। यहाँ पर इसका रूल मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब के साथ आपको ऐड करना है आईएनजी, ठीक है। सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, वह सुबह से, है ना, देखिए सबसे पहले वह सब्जेक्ट है, ही हैज़ बीन यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, ही हैज़ बीन सुबह से क्या कर रहा है, सो रहा है, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग, स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, यहाँ पर आईएनजी तक हुआ है। अब देखिए टाइम को ऐड करने के लिए हम दो वर्ड का यूज़ करते हैं, किस किस का, या तो सिंस या फिर फॉर, उसके बाद में टाइम। देखिए ही हैज़ बीन स्लीपिंग, अब अगर फिक्स टाइम है सुबह से, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। ये सिंस और फोर को मैं एक वीडियो में अलग से क्लियर कर दूंगा आपको और अच्छे से, अभी आपको ये समझना है कि अगर निश्चित समय फिक्स टाइम अगर है, ठीक है ना, तब हम यूज करते हैं सिंस का। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत काफ़ी हद तक टेंस क्लियर हुए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम किस प्रकार से, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको आते हैं कभी भी एग्जाम में हो या फिर स्पीकिंग में, ठीक है ना, तो आप आसानी से इनको बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।